दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन के दौरान हिंसा, 8 की मौत, सीएम योगी बोले दोषियों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। आधी रात लखीमपुर खीरी के लिए निकली प्रियंका गांधी, लखनऊ में पुलिस से झड़प, रोकने पर पैदल भी चली प्रियंका गांधी, हर गांव में गिरफ्तार, राकेश टिकैत ने लिया घटनास्थल का जायजा। लखीमपुर खीरी डिप्टी सीएम की अगवानी में लग रहे अफसर, इसलिए बेकाबू हुए हालात, लखीमपुर खीरी की आग में राजनीतिक रोटियां सेकने की तैयारी, प्रियंका अखिलेश का आज दौरा, लखीमपुर खीरी बनेगा जंग का नया मैदान, किसानों के जत्थे संग राकेश टिकैत रवाना। राहुल गांधी लखीमपुर घटना को बताया नरसंहार, कहा हम बलिदान को बेकार नहीं होने देंगे। उज्ज्वला योजना के बारे में बता रहे थे केंद्र पेट्रोलियम मंत्री, पत्रकारों ने पूछा पेट्रोल गैस की बढ़ती कीमतों पर सवाल, तो बोले छोड़ो यार। क्रूजर रेप पार्टी, शाहरुख का बेटा आर्यन, 7 अन्य युवक नशीले पदार्थों के सेवन में गिरफ्तार। विश्व बैंक की सलाह, स्कूल खोलने के लिए टीकाकरण का इंतजार जरूरी नहीं, बच्चों का विकास होता है प्रभावित। आतंकवाद की तरह ड्रग्स तस्करी पर लगाम लगाने की तैयारी में गृह मंत्रालय, सिंध से हो रही मामलों की निगरानी। उपचुनाव में सभी पार्टियों पर विजयी हुई ममता बनर्जी की पार्टी, जंगीपुर में 92,480 मतों के भारी अंतर से जीते टीएमसी के जाकिर हुसैन, नतीजे उम्मीद की अनुरूप नहीं। बंगाल भाजपा ने कबूली हार, ममता पर तंज हरा, प्रत्याशी कभी सीएम नहीं बना।